नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति मंजुला। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश की रेल प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सरकार की नजर 2030 तक रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कहा कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता लिंचिंग के लिए उकसा रहे हैं, इसलिए ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनेंगे, कांग्रेस फोरम में उनका नाम लगभग तय हो चुका है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एक बुनियादी सवाल हमेशा रहा है कि अच्छे अर्थशास्त्र और चतुर नीति के बीच क्या करना चाहिए। गोरखपुर पहुंचे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, 9 एकड़ में बने कान्हा उपवन पशु आश्रय गृह का किया उद्घाटन। कानपुर जरीब चौकी इलाके में बिजली के पोल में उतरा करें चपेट में आकर हॉकर की मौत। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, लोगों से की पानी बचाने की अपील। यूपी के हमीरपुर में रुस्ते हुए शमशाद, ताऊ ने नाबालिग भतीजी को बनाया अपने हवस का शिकार। बीमार बच्ची ने स्कूल की वार्निंग को सुनाई दर्दनाक दास्ता, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जिनेवा में UNHRC के 40वें सत्र के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में हुई गलती के लिए टेलीप्रॉम्प्टर को जिम्मेदार ठहराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने घोषणा की है कि वे अपनी सरकार को अमेरिका के साथ प्रस्तावित सैन्य समझौता नहीं करने देंगे। कनाडा के क्यूबेक प्रांत के शिक्षा मंत्री जीन फ्रेंकोइस रॉबर्ट्स ने मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफ जई के साथ ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हो रही है। सीरियाई शासन और रूसी बमबारी में उत्तर पश्चिमी सीरिया में 7 बच्चों सहित 20 नागरिकों की मौत हो गई है। ICC विश्व कप 2019 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर अपना आखिरी मैच खेल रही दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 10 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने ICC विश्व कप 2019 के आखिरी लीग मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 7 विकेट से हरा कर टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज कर ली है। ICC विश्व कप 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 103 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन पारुपल्ली कश्यप ने फ्रांस के लुकास क्लेरबाउट को मात देकर कनाडा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 12वीं बार अंतिम 16 में पहुंचकर दिग्गज बोरिस बेकर के सबसे ज्यादा बार विंबल्डन प्री क्वार्टर में पहुंचने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के मशहूर डांसर और गायिका सपना चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि सरकार की आलोचना करने वालों को राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। डांस दीवाने 2 के सेट से बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माधुरी गली डांस करती नजर आ रही है। निक जोनस ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में ढलते सूरज को देखते हुए प्रियंका ने एक रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 1996 में रिलीज हुआ गाना शहर की लड़की को सिंगर बादशाह ने फिल्म खानदानी शफाखाना के लिए रिक्रिएट किया है। इस गाने में जायना पेंटी और बादशाह परफॉर्म करते नजर आएंगे।